रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आयुष विश्वविद्यालय के रिजल्ट पर सवाल खड़े हुए। करीब 80% छात्र जो है वो फेल हुए हैं। 193 बच्चों ने एग्जाम दिया था और 180 बच्चे फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि फाइनल ईयर के 80% छात्र फेल हुए हैं। विश्वविद्यालय इस बार पुनर्मूल्यांकन और पुनः गणना के विचार में नहीं है। एनएससीआई घेराव करेगी आज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जो रिजल्ट्स आए वो काफी चौंकाने वाले आए। बिल्कुल, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं वो विश्वविद्यालय पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि 193 बच्चों ने एग्जाम दिलाया था जिसमें से 180 बच्चे फेल हो गए। और विश्वविद्यालय इस बार पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के मूड में भी नहीं है, जिसकी वजह से छात्र आक्रोशित है, क्योंकि सभी छात्र फाइनल ईयर की है और ऐसे में छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्र काफी आक्रोशित है, वो कहते हैं कि फाइनल ईयर के छात्र है तो ऐसे में अगर उन्हें फेल कर दिया गया है तो जाएंगे कहाँ। पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना भी अगर नहीं हो पाती है तो ऐसे में छात्रों को जो अगले साल एग्जाम दिलाना पड़ेगा, तो ऐसे में छात्रों का साल भी बर्बाद होगा। और आयुष विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अगर एग्जाम की बात करें तो छात्रों ने इस बार ऑफलाइन एग्जाम दिए थे, ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं हुए थे कि छात्र फेल हो जाते हैं। जैसे कि छात्रों ने ऑफलाइन एग्जाम दिए थे तो तमाम छात्रों का दावा है कि वो अच्छे से उनका पेपर अच्छे से गया था, लेकिन इतने ज्यादा बड़ी संख्या में छात्र फेल हुए हैं तो ये वाकई में विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। सवाल खड़ा करता है यहाँ पे। जिस हिसाब से स्टूडेंट ने पेपर दिए थे उनका कहना है कि अच्छा हुआ, लेकिन रिजल्ट जो आए वो काफी चौंकाने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुप्रिया।